ये देखिएगा मेडिटेशन पोज में तो क्या है, कमल पर ही बैठे हैं ना, जो सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। और दा का अर्थ होता है देना, तो ज्ञान देने की भूमि को नालंदा कहते हैं, बुद्धि देने की भूमि को नालंदा कहते हैं, या जहाँ सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान दिया जाता है उस स्थान को नालंदा कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन है संस्कृत में, क्योंकि पाली और संस्कृत मिलता जुलता है भाषा है ना, तो दूसरा डिफिनेशन है संस्कृत में नालम ददाति ती इति नालंदा। जहाँ पे ज्ञान देने का अंत न हो, जहाँ सीखने का अंत न हो, उस स्थान को नालंदा कहते हैं। और कार्तिक भैया और तेजस भैया ना, बारात आना होगा, क्योंकि ज्ञान पेट की भूख ये मिट जाती है, कुछ खाने के बाद पेट की भूख मिट जाती है, लेकिन ज्ञान की भूख कभी नहीं मिटती है। इसलिए ज्ञान सीखने के लिए अगेन एंड अगेन नालंदा आना पड़ता है। आप ज्ञान नहीं लेना है तो फिर केरल जाइए, तमिलनाडु जाइए, राजस्थान जाइए, विद्यालय था। जैसे आज के समय में कैम्ब्रिज का नाम सुनते हैं, ऑक्सफोर्ड का सुनते हैं, हार्वर्ड का सुनते हैं, स्टैनफोर्ड का सुनते हैं, वर्ल्ड फेमस है, उसके बारे में पढ़ते भी हैं CBSE बोर्ड में। तो प्राचीन काल में तीन वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी था जिसका नाम था तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, जिसको आज लगभग नहीं जानते। तक्षशिला पाकिस्तान में है और वहाँ का विद्वान चरक, जीवक, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पाणिनि, पतंजलि, कनाद और सुश्रुत जैसे होते थे। विश्व का सबसे पहला सर्जरी किए हैं सुश्रुत, वो तक्षशिला के थे, है ना। कनाद एटम का आविष्कार किए थे, एटम का खोज किए थे, अणु का खोज कनाद किए हैं। और कण का जो नाम पड़ा है उन्हीं कनाद के नाम पे ही कण का नाम पड़ा है, एटम का नाम पड़ा है, नामकरण हुआ है। तो सब तक्षशिला के थे। भारत का सबसे पहला यूनिवर्सिटी नालंदा और तीसरा विक्रमशिला जो भागलपुर में है। तो वर्तमान में दो यूनिवर्सिटी इंडिया के बिहार में है और एक यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में है। लेकिन इतिहास आप लोग पढ़िएगा या प्राचीन भारत के नक्शा आप लोग देखिएगा तो उसमें इंडिया पाकिस्तान शब्द का नाम नहीं आएगा, मगध का नाम आता है, मगध देश। तो मगध में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, गांधार, बर्मा और नेपाल ये सारा इंक्लूड होता था। गांधार अभी वर्तमान नाम कंधार है, जहाँ भगवान बुद्ध की ऐसी फुट मूर्ति को तोड़ा गया था तालिबानियों के द्वारा, बामियान में तोड़ा गया था ना, तो ये सभी मगध के अंदर में आता था। तो सारे वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी मगध में हो गए। तो एक स्लोगन आप लोग सुनते हैं, अक्सर सुनने के लिए मिलता है, भारत विश्व का गुरु था। कैसे था ये आप लोग कल्पना कर सकते हैं। एक समय था जब पूरा वर्ल्ड से विद्यार्थी पढ़ने के लिए भारत में आते थे, टीचर पढ़ाने के लिए भारत में आते थे, और आज दुर्भाग्य है जो पूरा वर्ल्ड पढ़ने और पढ़ाने के लिए बाहर जाते हैं। तो परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक समय था जब बिहार शिक्षा के मामले में चरम पे था, आज आप ही लोग कहते हैं कि क्या कारण हो गया जो बिहार आज पिछड़ा हुआ है। कहते ना कि बिहार में गरीबी बहुत ज़्यादा है। स्थापना मगध के राजा कुमार गुप्त फर्स्ट के द्वारा 5 AD में किया गया था, वीएन मिश्रा के अनुसार 427 AD। उसके बाद इसका डेवलप 7 AD में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन किया, और सबसे ज़्यादा कॉपरेट 9 में बंगाल के राजा देवपाल। लगभग यहाँ 800 साल तक रेगुलर पढ़ाई का कार्य चला। 12वीं शताब्दी के लास्ट में बख्तियार खिलजी, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का असिस्टेंट कमांडर था, तराइन का युद्ध आप लोग सुने होंगे नाम, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। जब पृथ्वीराज चौहान का हार हो गया जयचंद के धोखा देने के बाद, तो उत्तर भारत के नॉलेज, सभ्यता, संस्कृति को ख़त्म करने के लिए बख्तियार खिलजी आया, जिसमें नालंदा भी उसका शिकार हुआ और विक्रमशिला भी, दोनों एक ही साथ शिकार हुआ। यहाँ पर जब आक्रमण किया तो बहुत सारे विद्यार्थी एवं टीचर मारे गए और बहुत सारे घायल हो गए। जो घायल हो गए वो भय के कारण अपने अपने गांव और अपने अपने देश चले गए। उसके बाद इस विश्वविद्यालय के कंस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय किया और आग लगा दिया। जो आग मीन हाज हिस्टोरियन एक है, इस्लाम हिस्टोरियन जिसका नाम मीन हाज है, उसने एक किताब लिखा है तक कातिल नासरी, उस किताब के अनुसार नालंदा लगभग 6 महीने तक कंटिन्यू जलता रहा। उसके बाद नालंदा स्लोली नेचुरल क्लाइमेट दब गया और यह लगभग 700 साल मिट्टी के नीचे दबा रहा था। इधर देखिए तो एक मिट्टी का पहाड़ दिखाई दे रहा होगा, दे रहा पूरा, है ना, पूरा उसी लेवल में कवर था। लोकल किसान लोग इसके ऊपर खेती करते थे, इधर भी देख सकते हैं, ये जो है
पूरा एरिया ही था, है ना। इसके यहाँ भी खुदाई करेंगे तो मिलेगा बहुत सारा, मे बी आप जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ भी मिलेगा, क्योंकि हम लोग गुप्ता डायनेस्टी के छत पे हैं। गुप्ता